नमस्कार दोस्तों, कहानी का नाम है बड़े घर की बहू और चीनी रोटी। और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे मेरी हर नई कहानी आप तक तुरंत पहुंच सके। रामेश्वरी देवी जी अपनी सहेली की बेटी की शादी में गई हुई थी। विवाह स्थल पर पहुंचकर रामेश्वरी जी का मन प्रसन्नता से भर गया था। चारों तरफ फूलों की खुशबू उड़ रही थी। रंग बिरंगे फूलों ने पूरे वातावरण को मनमोहक बना दिया था। ऊपर से लाइटों की लड़ियां इस प्रकार फूलों को चूम रही थी मानो उनका जन्म जन्मांतर का साथ हो। मंडप के बीच का झूमर तो इस तरह जगमगा रहा था कि उसकी रोशनी से आंखें चुंधिया जाए। अभी वह साज सजावट में खोई हुई थी कि एक लड़की की खनकती हुई सी आवाज सुनाई दी। वह बोल रही थी, आंटी शरबत लीजिए ना। रामेश्वरी जी ने उसकी तरफ देखा तो उसे देखती ही रह गई। हल्का गेहुआ रंग, मछली जैसी धारदार तिरछी चंचल आंखें, काले लहराते लंबे बाल और दुबली पतली सी काया। उन्होंने उस पर नजरे टिकाए हुए शरबत का गिलास उठा लिया, लेकिन उनकी नजरे उस लड़की पर ही अटक कर रह गई थी। वह लड़की भाग भाग कर मेहमानों की आवभगत कर रही थी। बातों से वह जितनी चंचल लग रही थी, काम करने के ढंग से उतनी ही सुगढ़ और सुशील लग रही थी। उन्होंने उस लड़की को बुलाकर उसका नाम पूछा तो उसने मुस्कुराते हुए अपना नाम चंचल बताया। रामेश्वरी जी को अपने बेटे नीतीश के लिए चंचल बहुत पसंद आई। उन्होंने झट उसके साथ एक सेल्फी ली और अपने बेटे को भेज दी और तुरंत फोन करके पूछा, देख बेटा, मैंने तेरे लिए एक लड़की पसंद की है, जरा देख कर तो बता तुझे कैसी लगी, तो मैं बात आगे बढ़ाऊं। नीतीश ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे माँ, मुझे आपकी पसंद पर पूरा भरोसा है, फिर भी मैं फोटो देख लेता हूँ। फोटो देखने के बाद उसने भी हाँ कर दी, क्योंकि उसे भी चंचल पहली नज़र में बहुत अच्छी लगी थी और उसकी मासूम आंखों की गहराई में तो वो कहीं खो जाना चाहता था। रामेश्वरी जी ने छानबीन करके चंचल के घर का पता लगा लिया था और एक दिन रिश्ता लेकर उसके घर में पहुंच गई। चंचल एक मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की थी, वहीं रामेश्वरी जी बड़ी हवेली की मालकिन। दोनों परिवारों के हैसियत और रहन सहन में जमीन आसमान का अंतर था। फिर भी रामेश्वरी जी ने निश्चय कर लिया था कि चंचल को ही अपने घर की बहू बनाएंगी। चंचल के पिता ने हाथ जोड़कर रामेश्वरी जी से कहा, देखिए बहन जी, हमारी इतनी हैसियत नहीं कि हम आपके परिवार से रिश्ता जोड़ सके। रामेश्वरी जी ने स्निग्ध मुस्कान के साथ कहा, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, हमें केवल आपकी बिटिया चाहिए। एक पिता अपने वर्षों की निधि अपनी बेटी को दूसरे के घर भेज देता है, इससे बड़ा दान वह और क्या दे सकता है। हमें आपसे कोई उम्मीद नहीं है, बस आप अपनी बिटिया को हमें सौंप दीजिए। चंचल को उन्होंने अपने पास बुलाकर बिठाया और कहा, देखो बेटी, तुम और नीतीश अकेले में जाओ और आराम से बातें कर लो, फिर हमें अपना फैसला बता देना। कुछ देर के बाद नीतीश और चंचल आपस में बातें करने के बाद बाहर आए और सबको इस रिश्ते के लिए अपनी रजामंदी दे दी। विवाह का आधे से ज्यादा खर्च रामेश्वरी देवी जी ने ही उठाया। भले ही उनके पति का देहांत हो गया था, फिर भी उन्होंने बड़ी ही सूझबूझ के साथ अपने व्यापार और घर को संभाला था। चंचल अपने सास की कर्मठता देखकर उनसे बहुत कुछ सीखने को प्रेरित हो रही थी। शादी के बाद रामेश्वरी जी ने चंचल को बिल्कुल एक राजकुमारी की तरह रखा हुआ था। घर में नौकरों की लाइन लगी हुई थी। चंचल को कोई काम ही नहीं करना होता था। चंचल को पेंटिंग करने का बहुत शौक था, तो रामेश्वरी जी ने एक कमरा उसे पेंटिंग करने के लिए दे दिया था। चंचल पूरे शानो शौकत के साथ हवेली की छोटी मालकिन बन चुकी थी। एक दिन रामेश्वरी जी चंचल के कमरे में कुछ काम से पहुंची तो उन्होंने देखा कि चंचल चीनी रोटी खा रही थी। रामेश्वरी जी ने हैरानी से पूछा, अरे बहू, यह तुम सूखी रोटी क्यों खा रही हो? घर में खाने को कुछ और नहीं था क्या? इतना बोलकर वह नौकर को आवाज देने लगी। चंचल ने झट से उन्हें सकुचाकर रोकते हुए कहा, नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, आप मेरी बात तो सुनिए। रामेश्वरी जी गौर से उसका चेहरा देखने लगी। चंचल ने नजरें झुकाए हुए कहा, वो क्या है ना माँ, बचपन में सर्दियों के मौसम में
माँ गर्मा गर्म रोटियाँ सेकती थी और मैं वहीं रसोई में बैठी रहती थी। माँ जैसे ही पहली रोटी बनाती थी तो गर्म रोटी के ऊपर देसी घी चुपड़ कर रोटी में चीनी लपेट कर हमें खाने के लिए दे देती थी। बस बचपन का वो स्वाद आज 56 भोग में भी नहीं मिल पाता, क्योंकि उसमें माँ का प्यार घुला हुआ था ना। तो बस जब भी कभी बचपन की यादों को फिर से जीना चाहती हूँ तो मैं रोटी में घी और चीनी लगाकर खा लिया करती हूँ। मैंने यह बात आपसे पहले नहीं बताई क्योंकि मुझे लग रहा था कि यहाँ सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। बोलते बोलते चंचल रुआंसी हो गई। रामेश्वरी जी ने प्यार से उसका माथा सहलाकर कहा, अरे बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, तुम सही कह रही हो। बचपन में माँ के हाथों की सादी सी चीज भी बहुत स्वादिष्ट लगती है और वह स्वाद जीवन भर हमें याद रहता है। फिर चाहे हम कितने भी पकवान क्यों ना खा ले, उस स्वाद की बराबरी कोई पकवान नहीं कर सकता। और तुझे एक राज की बात बताऊं, मुझे भी अपनी माँ के हाथों के बने आम के अचार के साथ रोटी बहुत पसंद थी। आज भी जब मेरे मायके से अचार की बर्निया आती है ना, तो मैं सबसे छुपा कर सिर्फ सूखी रोटी और अचार लेकर वही बचपन का स्वाद ताजा कर लेती हूँ। रामेश्वरी जी ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा। अपनी सास की बात सुनकर चंचल मुस्कुरा पड़ी और बोली, लेकिन अब से हम साथ में ही पार्टी करेंगे, क्यों मम्मी जी, क्या कहती हैं आप? रामेश्वरी जी ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, हाँ बेटा जरूर, क्यों नहीं। इतना बोलकर दोनों ही खिलखिलाकर हंस पड़ी। तो दोस्तों, आपको अपने माँ के हाथ की बनी कौन सी डिश पसंद है, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।